हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि मैंने पूरे नवरात्रे में व्रत रख रखा था और आज रामनवमी है तो आज इस व्रत को हम करेंगे ख़त्म। और अभी कन्याएं आएंगी, उनको भोजन करवा के और फिर हमें चलना है एक बाइक की डिलीवरी लेने। और वो देखना किसकी बाइक है, वो मेरा एक फ्रेंड है, उनकी बाइक मतलब उन्होंने कहा था कि अरेंज करवाने के लिए, तो वहीं चल रहे हैं और बाइक की डिलीवरी लेते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइज, अभी मैं डिलीवरी लेने आया था तो मुझे पता चला कि मेरा नंबर प्लेट आ गया, तो लगवा लेते हैं उसे फटाफट से। उनकी डिलीवरी भी हो गई और इसी बहाने मेरा भी काम हो गया, मेरा नंबर प्लेट लग गया। दोबारा आने का मेहनत वगैरह सब कुछ बच गया, नहीं तो मैं तो उस पर नंबर प्लेट दूर। लगवाने आया था, लग चुका है। तो चलो चलते हैं सीधा। अब बाइक गांव ले जाना था इसलिए मैं यहाँ पार्सल ऑफिस आया हूँ, क्योंकि चला के ले जाना पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार पता कर लेता हूँ। तो गाइस, बाइक का बुकिंग का प्रोसेस पता चल गया पूरा। और यहाँ पे बहुत सारे दलाल होते हैं जिनका रेट अलग अलग होता है, तो आप उनके चक्कर में ना पड़ेंगे। आप सीधा रेलवे काउंटर से टिकट ले तो, या बिल्टी भी कटवाए तो रेलवे काउंटर से कटवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दलाल हैं, कोई 8,000 कोई 10,000। पर इनसे मत करवाओ, जो होगा वो वहीं से करवाओ आप, सीधा काउंटर पे जाके। इनके बस की बात नहीं है ये सब, ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे आपसे, कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा वहाँ जाके कराओ आप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक बाइक की डिलीवरी ली, वो मेरा फ्रेंड है जिसने बाइक लिया है, वो मेरी बाइक नहीं है, वो आपको पता चल ही गया होगा देख के। और बाइक की बुकिंग का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया, वीडियो में जाके देखो, मतलब जाके क्या देखो, आपने पूरे देख ही लिया होगा। हाँ, पर ये एक बात बताऊं कि वहाँ पे जो है दलाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि हम आपका सामान बहुत जल्दी पहुंचा देंगे वहाँ पे। बट आप ऐसा मत करना, आप कभी भी उन दलालों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो लोग फ्रॉड होते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप सीधा रेलवे के काउंटर के पास जाके बुकिंग कराएं सब कुछ, तो और वहाँ से आपको रेट में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। और गर्मी आ गई है, एसी फुल, शीशे गए खुल, गाना तो सुना ही होगा आपने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और हमारा हो चुका है 160 मेंबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को और आप सभी की तरफ से मुझे भी। तो कमेंट में आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना, इससे मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। तो बाय।